अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से सेफ़ और खुश होंगे। खुश आमदीद इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हर आने वाली नागहानी, आफतों, बीमारियों और मुसीबतों से महफूज रखे और हमारे साथ खैर का मामला करें। आमीन सुमा आमीन। चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। हमने किया था शारजा मॉस्क विज़िट, तो मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये शारजा की बहुत बड़ी मस्जिद है। ये हम आए थे ईद के दूसरे दिन, वक्त था मगरिब का, और हम आने के बाद थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर मगरिब की अज़ान हुई थी। ये शारजा मस्जिद मलिहा रोड पर है और ये शारजा मस्जिद के नाम से ही मशहूर हो गई है। ये शारजा की सबसे बड़ी मस्जिद है और यूएई के बड़े मस्जिदों में शुमार की जाती है। ये मुकम्मल हुई थी 2019 में और इसे शुरू भी किया गया था 2019 में। ये शारजा गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई मस्जिद है। ये बड़े पैमाने पर बनाई गई है और बड़े अहाते पर बनाई गई है। जैसे ही हम पहुँचे, थोड़ी देर के बाद ही मगरिब की अज़ान हुई थी। आप लोग भी सुने। मगरिब की नमाज़ तक बहुत कम लोग आए हुए थे। मगरिब की नमाज़ के बाद बहुत सारे लोग आए थे। एक तो ईद के हॉलीडेज़ भी थे और यहाँ शारजा मॉस्क के बाहर ईद मुबारक की लाइटिंग भी की गई थी, उसे देखने के लिए भी बहुत सारे लोग आए थे। अज़ान होने के बाद फिर मैं आ गई थी लेडीज़ प्रेयर रूम की तरफ। यहाँ मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर लेडीज़ प्रेयर रूम को दो हिस्सों में किया गया है। ये है नीचे का हिस्सा, ऊपर भी एक हिस्सा है। ऊपर के हिस्से में छोटे बच्चे अलाउ नहीं हैं। जिनके भी छोटे बच्चे हैं वो यहाँ नमाज़ अदा करते हैं। ये है ऊपर का हिस्सा। मैं यहाँ आ गई थी नमाज़ अदा करने के लिए, क्योंकि हुमना नीचे नमाज़ अदा करने नहीं दे रही थी। बस वो आज़ाद पंछी की तरह भागे ही जा रही थी। फिर मैं यहाँ आ गई नमाज़ अदा करने और मैंने नमाज़ अदा की, और इसके बाद मैंने ली हैं ये छोटे से क्लिप्स। माशाल्लाह से ये अंदर से बहुत ही प्यारी है। यहाँ देखिए ला हौला वला कुव्वता लिखा हुआ है। ये है लेडीज़ का हिस्सा और नीचे है जेंट्स के लिए नमाज़ का एरिया। वहाँ पर बहुत ही बड़ा फानूस लगाया हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत है, और ऊपर कुरानी आयतें लिखी हुई हैं जो आप गुम्बद और साइड के दीवारों में देख सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि मस्जिद का सारा हिस्सा मैं कैप्चर कर सकूं। आप ज़रूर बताएं कि आपको मस्जिद कैसी लगी। जमात तो हो गई थी, बाद में जो जुड़ने वाले नमाजी थे
उनके लिए अलग से जमात बनाई गई थी। मैंने नमाज़ अदा की, इसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। लिफ्ट भी अवेलेबल है लेकिन उसे ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ रहा था, तो फिर मैं स्टेयर के ज़रिए ही नीचे आ गई। आपने पिछले वीडियो में भी वज़ू खाना देखा है और अंदर भी एक बड़ा सा, बहुत ही बड़े अहाते पर वज़ू खाना है जो लेडीज़ के लिए है। मैंने वहाँ कोई वीडियो नहीं बनाई, उसे भी बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। और मैं आ गई थी नीचे और मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ बच्चों को, और बच्चे मुझे मिले फाउंटेन्स की तरफ। मैंने चांद की वीडियो बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो क्लियर नहीं आई थी। दूसरी तारीख का चांद था, जैसा ही इशा की अज़ा हुई वो अचानक से गायब हो गया था। हमने यहाँ पर मगरिब और इशा की नमाज़ अदा की, इसके बाद हम घर चले गए थे। मैं आ गई हूँ ये फाउंटेन एरिया में। यहाँ सारा इस्लामिक कल्चर के लिहाज से ये सारा हिस्सा फाउंटेन वगैरह बनाया गया है। मस्जिद में इंट्रेंस के लिए मल्टीपल इंट्रेंस बनाए गए हैं, जिसमें वीआईपी इंट्रेंस और लेडीज़ के लिए भी अलग इंट्रेंस रखा हुआ है। यहाँ कर रहे हैं बच्चे इंजॉय। यहाँ पर बच्चों के लिए मिल गए थे फायरवर्क्स, ये अचानक से शुरू हो गए और ये बच्चों ने, यहाँ के सारे बच्चों ने इंजॉय किया। फायरवर्क्स देखने के बाद बच्चों ने थोड़ा सा खेला, इसके बाद हो गई थी इशा की अज़ान। हमने नमाज़ अदा की, इसके बाद हम घर के लिए निकल गए थे। है ना बहुत प्यारी अज़ान। आगे व्लॉग के इन में यहाँ पर जो ईद मुबारक की लाइटिंग की गई है वो आपको नज़र आएगी। शारजा मॉस्क मुस्लिम के साथ साथ नॉन मुस्लिम के लिए भी ओपन है। यहाँ करती हूँ मैं व्लॉग का एंड इस उम्मीद के साथ कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दुआओं में याद रखिए, हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं। क़ुरान की तिलावत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की इबादत में मामूल बना लें। दुआ दें, दुआ लें। अल्लाह हाफिज़।